नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरे इस यूट्यूब चैनल को और मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील पाटीदार। दोस्तों, हम आपके लिए नॉलेजेबल होम्योपैथी डिसीज रिलेटेड वीडियो लाते रहते हैं। इसी कड़ी में आज हमने जिस टॉपिक को लिया है वो बहुत ही कॉमन टॉपिक है, जिसको कि वॉर्ट्स और मस्से कहा जाता है। दोस्तों, वॉर्ट्स और मस्से आप सब जानते ही हैं कि होम्योपैथी में इसका काफ़ी अच्छा इलाज है, और जो है आप सब भली भांति जानते हैं कि इसकी कुछ प्रमुख दवाइयाँ जैसे कि थूजा ऑइंटमेंट और थूजा 3200, आप सब जानते ही हैं कि जो है ये मसों को पूरी तरीके से ठीक कर देती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि थूजा भी इसको नहीं ठीक कर पाती, क्योंकि इसके जो दूसरे प्रकार भी हैं वार्ट्स और मसों के, इसमें दूसरी भी होम्योपैथिक दवाइयाँ देने की ज़रूरत पड़ सकती है दोस्तों। तो जी हाँ, हम आज हम इसके बारे में डिटेल से आपको बताएंगे कि ये क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं और कौन से टाइप्स के जब वार्ट्स और मसे होते हैं आपको, तो आपको कौन सी दवाई का प्रयोग करना चाहिए। वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि वॉर्ट्स और मसे क्या होते हैं। दोस्तों, वॉर्ट्स एक प्रकार का स्किन में जो है आपका बम्पी ओवरग्रोथ है, जो कि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के कारण होती है। और जब ये वायरस एंटर करता है स्किन की सुपरफिशियल स्किन में एंटर करता है पोर्स के थ्रू, तो इसमें जो है ये ओवरग्रोथ करता है सेल्स की, जिसके कारण जो है स्किन में उभार आ जाता है, एक बम्पी स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है, जिसको कि वॉर्ट्स या मस्से कहा जाता है। दोस्तों, तो ये कितने टाइप्स के होते हैं इनके बारे में अपन बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो एक इसका टाइप्स है वो है कॉमन वॉर्ट्स। कॉमन वॉर्ट्स दोस्तों शरीर में कहीं भी जो है प्रेजेंट रह सकता है। मेनली ये देखा गया है कि ये हैंड्स की जो डोर्सल सरफेस है, इसके नेल्स के आसपास आपको देखने को मिलेगा और फिंगर्स में आपको देखने को मिलेगा, हथेलियों पे इस तरह से हथेलियों के बैक साइड में आपको देखने को मिलेगा, ये कॉमन वार्ट्स होते हैं दोस्तों। सेकेंड नंबर जो वार्ट्स होते हैं वो होते हैं आपका प्लांटर वार्ट्स। तो प्लांटर वार्ट्स जो होते हैं दोस्तों, ये मेनली जो ये कन्फ्यूज़ करते हैं कई बार, जो कि कॉर्न जो होते हैं, जैसे कि जो आपका सोल है, पैरों के जो तलवे हैं, इसमें जो है ये प्रेजेंट रहते हैं, और आसपास की जो इसकी सरफेस होती है वो वाइट कलर की होती है, और जो सेंटर होता है इसका जो वो ब्लैक कलर का होता है। कई बार दोस्तों कन्फ्यूज़ करते हैं ये कॉर्न से कन्फ्यूज़ करते हैं, कॉर्न भी इसी तरह के होते हैं, लेकिन ये जो है मैं बताना चाहता हूँ कि ये प्लांटर वार्ट्स होते हैं और इसका भी होम्योपैथी में बहुत अच्छा इलाज है दोस्तों। इसके जो होने का कारण है दोस्तों, मेनली जैसे कि आप जब चलते हैं और लंबे समय तक जब खड़े रहते हैं, तो जिस जगह पे प्रेशर ज़्यादा पड़ता है, यानी कि आपकी जो सोल की जो सरफेस है और इसमें यदि कहीं पे प्रेशर ज़्यादा हो रहा है, उस जगह पे जो है स्ट्रक्चर इस तरह की सेल्स की ओवरग्रोथ होने लगती है, और जो है आपको इस तरह के प्लांटर वार्ट्स देखने को मिलते हैं। मैं मेडिसिन के बारे में आगे आपको बताऊंगा दोस्तों। थर्ड नंबर के टाइप की अपन बात कर लेते हैं दोस्तों, ये होते हैं फ्लैट वार्ट्स। फ्लैट वार्ट्स महिलाओं के चेहरे पर, बच्चों के चेहरे पर और मेंस की जो है बियर्ड में जो है इस तरह के फ्लैट वार्ट्स देखने को मिलते हैं। ये संख्या में 10-20 से लेके 30-40 तक जो है ये देखने को मिलते हैं, और जो है ये एकदम गुच्छे के रूप में जो है ये आ जाते हैं। और फ्लैट का मतलब ये है कि ये स्किन से एकदम सतह से चिपके हुए रहते हैं और एकदम उसमें बम्पी उभार नहीं रहता है, जिसकी वजह से इन्हें फ्लैट वार्ट्स कहा गया है दोस्तों। और इसका भी होम्योपैथी में काफ़ी अच्छा इलाज है। और फोर टाइप ऑफ वार्ट्स की अपन बात कर लेते हैं, यह है फ्ली फॉर्म वार्ट्स। आपने कई तरह के ऐसे वार्ट्स देखे होंगे कि दाढ़ी के आसपास या आँखों के आसपास, जिसमें कि ऐसे उभार से प्रोजेक्शन जो है देखने को मिलते हैं, जैसे नुकीले टाइप के प्रोजेक्शन उसमें रहते हैं दोस्तों, एक कांटेनुमा एक इस तरह का स्ट्रक्चर उसमें देखने को मिलता है, इसको फिलीफॉर्म वॉर्ट्स कहा जाता है दोस्तों। इनकी जो सरफेस है वो हार्ड होती है, लेकिन साथ साथ नुकीली भी होती है। तो इस तरह के वॉर्ट्स जो है फिलीफॉर्म वॉर्ट्स होते हैं। अब जिस टाइप के वॉर्ट्स होंगे उनकी मैं होम्योपैथिक दवाइयाँ आपको बताऊंगा कि आपको जिस तरह का वॉर्ट्स होता है देखने में, आपको जैसे समझ में आता है उसके अकॉर्डिंग आप जब मेडिसिन लेंगे तो आपका 1 से 2 महीने में ही जो है वॉर्ट्स पूरी तरीके से ठीक हो जाएंगे दोस्तों। सिम्टम्स विशेष नहीं होते हैं दोस्तों, बस ये है कि देखने में ये ख़राब लगते हैं, और जो है संख्या में जब ये बढ़ जाते हैं हर कोई आपको टोकता है कि ये क्या हो गया है, और इसके लिए आप होम्योपैथिक मदर टिंचर थूजा का आप प्रयोग कर सकते हैं, थूजा
होम्योपैथिक दवाई ले सकते हैं। इस तरह के लोग सजेशन देते हैं। मेरी क्लिनिक के बगल में एक सैलून था, वो उसको आए दिन इस तरह के केसेस देखने को मिलते थे उसको, कि नेक के आसपास किसी को वार्ट्स है, दाढ़ी में कट जाता था जब उसको, तो वो मुझे रिफ़र करता था बगल में कि होम्योपैथी ट्रीटमेंट है, आप इसका लीजिए, और जो है इसका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है होम्योपैथिक में, और आपके ये परमानेंट ठीक हो जाएंगे। तो दोस्तों इसी तरह काफ़ी जो है लोग जानते हैं कि होम्योपैथी एक ऐसा ट्रीटमेंट है जो कि वार्ट्स और मसों को पूरी तरीके से ठीक कर सकता है। चलिए दोस्तों, तो अब हम बात करेंगे इसके होम्योपैथी ट्रीटमेंट की, कि किस तरह से जो है, किस तरह के यदि वार्ड्स हैं तो उसमें क्या होम्योपैथिक दवाई लेनी चाहिए, आइए जानते हैं। तो दोस्तों जो वार्ड्स की सबसे पहले नंबर की जो दवाई है वो थूजा ही है, और थूजा को भी एक पर्टिकुलर एक पावर में लेना होता है। मैं जो देता हूँ या जो जिससे शुरुआत आपको करनी है वो है थूजा 30। इसको आपको जर्मन कंपनी का लेना है, और इसको 2 बूंद सुबह, 2 दोपहर को, 2 रात को, लगातार आपको 1 से 1.5 महीने इसका प्रयोग करना है। आप देखेंगे कि जो कॉमन वार्ड्स हैं जिनकी स्मूथ सरफेस होती है, और यदि खासकर जेनाइटल वार्ड्स हैं, यदि आपके एनल रीजन के आसपास, यदि आपके जेनाइटल्स में यदि इस तरह के वार्ड्स हैं, तो वो थूजा उसको कवर करती है और जो है आपका परमानेंटली इसको ठीक कर देती है। तो दोस्तों थूजा किसी भी वार्ड्स में हालांकि दी जा सकती है, हर टाइप के वार्ड्स को ये ठीक करती है, लेकिन जो इसका मेन है वो इसमें है कि आपका स्मूथ होना चाहिए उसकी सरफेस को, और साथ में यदि पेडेंकुलेटेड है यानी कि इसका जो बेस है वो पतला है, और वो जो एक लटका हुआ सा यदि वार्ड्स है, आपने खासकर देखा होगा कि गर्दन के आसपास इस तरह के वार्ड्स किसी को भी देखने को मिल सकते हैं, उसमें दोस्तों थूजा 30 से आपने को शुरुआत करनी है। तो थूजा 30 इसमें बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है इसका। सेकेंड नंबर जो मैंने आपको प्लांटर वार्ड्स में जो बताया था कि प्लांटर वार्ड्स जो है वो सोल में होते हैं, और सोल में जो है वो हार्ड इसकी जो सरफेस होती है, हार्ड सरफेस में इसमें थूजा मदर टिंचर या ऑइंटमेंट को आप लगा भी सकते हैं, इससे कि इसकी सरफेस स्मूथ होती है, और साथ साथ यदि आपका प्रयोग करेंगे आप एंटीम क्रूट 30 का, जी हाँ दोस्तों एंटीम क्रूट 30 जो है इसकी मेन दवाई हो जाती है प्लांटर वार्ड्स के लिए, इसको भी जर्मन कंपनी का आपको लेना है, 2 बूंद सुबह को, 2 दोपहर को, 2 रात को, 1 से 1.5 महीने प्रयोग करेंगे तो आपके जो प्लांटर वार्ड्स हैं जो कि आपके सोल में हैं, और आपको जो चलने में जो है यदि ये पेनफुल होते हैं, तो ये आपको पूरी तरीके से इससे निजात मिल जाएगा दोस्तों। जी हाँ, अब हम थर्ड नंबर टाइप्स ऑफ वार्ड्स की बात करेंगे। जो मैंने बताया था फ्लैट जो वार्ड्स होते हैं जो कि पूरा चिपके हुए होते हैं, वो स्किन में जो उभार नुमा नहीं दिखते हैं, लेकिन ये संख्या में काफ़ी ज़्यादा होते हैं, और सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट यही होते हैं दोस्तों इसको ट्रीट करने में, लेकिन जो आज मैं आपको दवाई बताने वाला हूँ इससे आप पूरी तरीके से निजात पा लेंगे दोस्तों। इसकी जो मेन दवाई है, इसकी दवाई है कॉस्टिकम 30। दोस्तों कॉस्टिकम 30 के प्रयोग आपको करना है 2 बूंद सुबह को, 2 दोपहर को, 2 रात को, साथ में आपको थूजा जो ऑइंटमेंट है जो एक क्रीम में आपको लास्ट में बताने वाला हूँ, ये किसी भी वार्ड्स के केस में आपको इसको प्रयोग करना है, लगाना है इसको 2 से 3 बार, सुबह शाम भी आप लगा सकते हैं, और धीरे धीरे जो है जो भी वार्ड्स होते हैं दोस्तों ये थूजा ऑइंटमेंट लगाने से ये डेड हो जाते हैं, इसमें सूखने लगते हैं ये, और सूखने का साइन ही ये है कि ये थोड़े समय बाद जो है ये स्किन से अलग हो जाएंगे, यानी कि वो अपने आप झड़ जाते हैं दोस्तों। तो आपको जो है फ्लैट वार्ट्स में भी यूज़ करना है एसिड नाइट्रिक कॉस्टिकम 30 का प्रयोग आपको करना है, और जो 4th नंबर आपको जो मैंने टाइप्स बताया था फ्री फॉर्म वार्ट्स यानी कि जिसमें जो नुकीलापन रहता है, इस तरह के कांटे नुआ जो है उसमें देखने को मिलता है, ये मोस्टली बियर्ड में रहता है पुरुषों के, और कहीं भी जो है शरीर में हालांकि हो सकता है, आईज की पलकों पे आप देखेंगे इसमें भी जो है इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। इसमें दोस्तों एसिड नाइट्रिक जो 30 है ये एक प्रमुख दवाई इसके लिए हो जाती है, और इसको भी 2 बूंद सुबह, 2 दोपहर को, 2 रात को प्रयोग करना है। जो भी टाइप्स आपका मसे का है उस टाइप्स के अकॉर्डिंग जब आप दवाई लेंगे और साथ में थूजा ऑइंटमेंट का लगाने के लिए प्रयोग करेंगे, तो आप देखेंगे कि वार्ट्स 1 से 1.5 महीने में पूरी तरीके से जा चुका है दोस्तों। कई बार हमें इतने मैजिकल रिजल्ट देखने को मिलते हैं कि 2 से 3 दिन, 5 दिन 7 दिन में ही जो है वार्ट्स पूरी तरीके से ठीक हो जाते हैं, और कई ऐसे पेशेंट जो है कि फर्स्ट बार दवाई लेके जाते हैं और कॉमनली मैं जो है 20 से
30 दिनों के लिए एक साथ दवाई देता हूँ कि इसके बाद जो है आप दोबारा दिखाने आइए। तो कई लोग जो है वो ठीक हो जाते हैं और उसके बाद जो है वो दोबारा किसी कारण से या किसी और पेशेंट को लेकर आते हैं और उस समय बताते हैं कि सर आपने वार्ट्स और मसों के लिए जो दवाई दी थी उससे पूरी तरीके से मसे ठीक हो गए हैं और अब ये नई समस्या के लिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो ऐसा भी दोस्तों इसमें होता है और अक्सर होम्योपैथी जो डॉक्टर हैं वो जो होम्योपैथी जिन्हें दवाई ली है वो सब जानते हैं कि ऐसा होम्योपैथी में होता है। संख्या में दोस्तों कितने भी आपके वार्ड्स और मसे हों कि 10-20 हों 100-50 हों उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सब इन्हीं दवाइयों से जो है वो पूरी तरीके से ठीक हो जाते हैं। और आप एलोपैथी जब ट्रीटमेंट लेते हैं और किसी तरीके से आप लेजर थेरेपी कराते हैं इसकी या फिर आप कोई आयुर्वेद में भी दोस्तों ऐसा है कि आपको जलाने के लिए किसी तरीके का कोई क्रीम जो है उसमें यूज़ करने के लिए बोलते हैं, तो ये सब अच्छे ट्रीटमेंट नहीं है, ये सब परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है इसके दोस्तों। और होम्योपैथी एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कि ये पूरी तरीके से ठीक होता है। तो कॉज के अकॉर्डिंग आपको ये सब दवाइयाँ लेनी है खाने के लिए। और साथ में अंत में मैं आपको बताता हूँ कि होम्योपैथिक एक क्रीम जो है लगाने के लिए, वैसे तो दोस्तों थूजा जो एक मदर टिंचर है ये आप कॉटन की सहायता से भी लगा सकते हैं, लेकिन जो एक क्रीम बेस में इसका जो एक थूजा ऑइंटमेंट से सभी कंपनियों की अपनी थूजा ऑइंटमेंट नाम से क्रीम आती है, आप किसी भी कंपनी का अलग ही ले सकते हैं, SBL का आप ले सकते हैं, वैक्सन का ले सकते हैं, थूजा ऑइंटमेंट के नाम से ये क्रीम आती है। इसको आपको रात में सोने से पहले तो लगाना ही लगाना है और दिन में भी आप लगा सकते हैं सुबह नहाने के बाद। इसको भी आप लगातार 1 से 1.5 महीने प्रयोग कीजिए और ये जो है आपकी वार्ट्स और मस्से को जो है उसके इसको डेड कर देगा और इसके बाद जो है वो मस्सा अपने आप चढ़ जाएगा दोस्तों और डिसअपीयर हो जाएगा। आशा करता हूँ वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा और ऐसे ही होम्योपैथिक डिसीज रिलेटेड वीडियो में आपके लिए लाता रहता हूँ। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ साथ बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिए ताकि जब भी कोई नया वीडियो मैं अपलोड करता हूँ आप तक उसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुँच पाए। अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं डॉक्टर सुनील पाटीदार, धन्यवाद।